नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। समय है सुबह के 8 बजे का, समय अपने शुद्ध हिंदू एडिटोरियल विद आशीर्वाद का। बात करेंगे आज क्या है हमारे पास बात करने के लिए, क्या हिंदू एडिटोरियल्स में। तो दोस्तों आज का शेड्यूल मैं डिसाइड कर दूं पहले आपके लिए। आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर अभी, और इसके बाद बात करेंगे 9 बजे सुबह आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर चर्चा करेंगे, उनके इतिहास पर, उनका योगदान आज़ादी में, उनका योगदान भारत के प्रारंभिक वर्षों में भी। तो बात करेंगे सुबह 9 बजे उस पर, और अगर मेरा सिस्टम ठीक चलता है तो बीच में एक शो और होगा आपके लिए RTI और CGI पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लेक्चर अपना आपके साथ। तो पहला टॉपिक या पहला जो मैं दिखा दूं आपके एडिटोरियल में क्या क्या आज है आपके लिए, तो आपके एडिटोरियल्स में क्या क्या दोस्तों आज एक एडिटोरियल कश्मीर के ऊपर है। 100 दिन हो गए कश्मीर में उस बंदी के या उस सो कॉल्ड लॉकडाउन के, तो उस पर MK नारायण साहब ने लिखा है आर्टिकल, नैरोइंग ऑप्शन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो वो खास नहीं हमारे लिए, कोई नई बात इसमें नहीं कही गई है यहाँ पर। तो जम्मू कश्मीर के 100 दिन हो गए हैं सो कॉल्ड उस पूरे इवेंट के, उस पूरे लॉकडाउन के। बहुत इंपॉइंट चर्चा नहीं है, लेकिन चर्चा इंपॉइंट है, लेकिन यहाँ भी आर्टिकल बहुत काम का नहीं है दोस्तों। ये सेकंड आर्टिकल जो एडिटोरियल यहाँ पर काम का दिख रहा है मुझे, डिसक्वालिफाइड येट क्वालिफाइड, ये बात कही है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो आया है 15 बर्खास्त MLA के लिए। बात करेंगे इस फैसले पर क्या इसके अंदर है, तो क्यों एक डिसक्वालिफाइड है फिर भी क्वालिफाइड है, डिसक्वालिफाइड विधानसभा से नहीं क्वालिफाइड चुनाव लड़ने के लिए है। इसके अलावा नीचे हम लोग आएंगे, एक आर्टिकल आपको एडिटोरियल दिख रहा है यहाँ पर, ग्लूम डिपर्स, ये भारत की अर्थव्यवस्था की चर्चा करेगा। इंडस्ट्री प्रोडक्शन लगातार कम हो रहा है देश के अंदर, डेटा बहुत गंभीर आए हैं देश में इस बार सितंबर महीने के लिए। बात करेंगे किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे इकोनॉमिक क्राइसिस में डूबती जा रही है और उसके क्या लक्षण आपको दिख रहे हैं, बात करेंगे इस आर्टिकल में आपके साथ। ये छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल जी का आर्टिकल है नेहरू को याद करते हुए, तो अलग से मैं नेहरू की चर्चा करने वाला हूँ चूंकि, तो मैं इसको अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि अलग से बात करेंगे नेहरू के ऊपर आज। तो भूपेश बघेल जी का ये आर्टिकल बहुत काम का नहीं है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से लिखा है उन्होंने, खुद कांग्रेसी हैं, एक बड़े कांग्रेसी रहे हैं, तो ऐसे में इनका जो लेख है वो कांग्रेस प्रेरित है, हमारा काम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर जाना नहीं है, तो हम इस बात नहीं करेंगे इसकी ऊपर अलग से। इसके अलावा अगला जो पेज है, अगले पेज में देखें क्या क्या आपके लिए है। अगले पेज में हिंदू के ये कुछ आर्टिकल आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, फार रिमूव फ्रॉम रियलिटी, ये एक आर्टिकल है ये यहाँ पर, फार रिमूव फ्रॉम रियलिटी। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों आजकल जो सेंट्रल विस्ता है हमारा, सेंट्रल विस्ता यानी राष्ट्रपति भवन बना है यहाँ पर, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक बने हैं यहाँ पर, इस पूरे राजपथ के दोनों ओर के जो बिल्डिंग्स हैं, चूंकि यहाँ पर ब्रिटिश काल की बिल्डिंग्स हैं, लुटियंस दिल्ली बोलते हैं हम इसको, इसको रिनोवेट करने का प्रोग्राम चल रहा है, सरकारी कार्यालयों को शिफ्ट करने का प्रोग्राम चल रहा है। तो क्या होगा वो स्ट्रक्चर, कैसे बनेगा वो स्ट्रक्चर, उस पर लिखा गया है ये। तो लेखक का कहना यहाँ पर कि जनाब बना के रखिए इन चीज़ों को भी अपने पास, ये आपकी हेरिटेज है इसको बना के रखिएगा, ऐसा कुछ मत बनाइए कि इनको तोड़ देना पड़े, तो हेरिटेज बना के रखिएगा, देखते हैं क्या होता है। तो बहुत काम का आर्टिकल नहीं है ये भी। एक आर्टिकल नीचे दिया है यहाँ पर, बैलेंसिंग एक्ट, माफ कीजिएगा, यहाँ पर बात की गई है व्हाट्सएप और आधार कार्ड को लिंक करने की, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है तो बड़ा इशू है, बात करेंगे इस पर आपके साथ, बैलेंसिंग एक्ट पर। और यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल और दिया आपके लिए, वो है यहाँ पर क्या, टाइम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, जो कह रहा है नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम के आने के बाद स्मॉल बजट सिनेमा को फिर से उछाल मिला है, हमारे काम का नहीं है दोस्तों। तो कुल मिलाकर आपके काम के 3 आर्टिकल हैं, 2 एडिटोरियल और 1 आर्टिकल, बात करेंगे। और एक कार्टून दिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, वकील साहब जज साहब से कह रहे हैं योर ऑनर दे क्लेम दे वर हेयर फर्स्ट, आपने कहा यहाँ पहले मंदिर था मस्जिद नहीं थी तो मंदिर आपने बना दिया, अभी कह रहे हैं जानवर पहले रहते थे प्रकृति, मानव तो बाद में आया है, तो ये क्लेम कर रहे हैं जानवर कि हम पहले थे यहाँ पर, आप बाद में आए, आप हटिए यहाँ से, आप नष्ट कीजिए अपने आप को, हमारा जंगल दोबारा बसाइए यहाँ पर, हमारे जंगल थे इसको बनाकर आपने बिल्डिंगें बनाई हैं, बड़ा सितार एक प्रकार से कोर्ट के आदेश को भी और एक प्रकार से अयोध्या के मामले को शामिल करते हुए भी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक है इसका कोटेशन, जहाँ हम रहते हैं वो जंगल थे पहले, कभी जीवों की जगह थी, उसको नष्ट करके अपने घर बनाते जा रहे हैं, दुनिया में हर जीव की आबादी कम हो रही है केवल मानव के अलावा, दुनिया की जीवों की आबादी लगभग 60% कम हो चुकी है 40 सालों में, लिविंग प्लानट रिपोर्ट कहती है बकायदा इस बारे में, याद होना चाहिए बहुत काम की रिपोर्ट है दोस्तों। मैं कार्टून को थोड़ा शेयर कर दूँ यहाँ पर, लिविंग प्लानट रिपोर्ट, ये कब आई थी दोस्तों लिविंग प्लानट रिपोर्ट, ये आई थी लास्ट ईयर, उसने कहा था कि भारत सहित दुनिया भर में 60% आबादी कम हो गई है जीवों की 1970 से लेकर 2014 के बीच 60% आबादी कम हो चुकी है, यानी 100 टाइगर थे वो 60 बचे हैं, 1000 लॉयन थे वो 600 बचे हैं, 400 बचे हैं, 60% कम हो गई है, 40% बची है, यानी जीवों की आबादी कम हो रही है और एक मानव ही है इसकी आबादी बढ़ रही है और पहुंच चुकी है वो 7.5 बिलियन। जी हाँ, बधाई हो, भारत में भी 125 रहते हैं हमारे करोड़, तो 125 बिलियन हमारे अभी हैं और दुनिया में है 7.5 बिलियन मानव की आबादी, हम रह रहे हैं उनकी जगह पर, तो इस पर कार्टून शटार मारते हुए चलिए दोस्तों आएंगे हम लोग और आप आ जाइए, सब लोग आ जाइए, तो चालू करें अपना सेशन हम लोग यहाँ से बिना कोई समस्या के चालू करते हैं सेशन आपके साथ। चलिए
मुस्कुराइए, आप दिल्ली में हैं आराम से, तो दिल्ली आज पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है यार, मतलब आज पीक पर है पॉल्यूशन लगता है शायद आज। आज विजिबिलिटी भी जीरो हो गई ऑलमोस्ट, यहाँ पर दिख भी नहीं रहा है क्या है बाहर, और उसके बाद पॉल्यूशन बहुत पीक पर है अपने आप में यहाँ पर, और पॉल्यूशन प्लस फॉग दोनों का मिक्सचर हो गया अपने आप में, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो गई है दिल्ली में बाहर अभी। इवन मुझे कैमरा नहीं दिख रहा, मुझे इतनी समस्या हो गई है यहाँ से दूरी दूर पर रखा हुआ कैमरा। इन पॉइंट बात यहाँ पर ये है कि दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के पॉल्यूशन बढ़ गया है दिल्ली में, लगभग 500 सीवियर प्लस चल रहा है, हेल्थ इमरजेंसी है। तो प्लीज़ जो लोग दिल्ली में रहते हैं संभल के रहिए, मास्क वास्क पहन के रहिए, घरों में मास्क अपने राय के अंदर भी सो रहे तो मास्क पहन के सोइए, जिससे आप पॉल्यूशन से बच सकें। चलिए दोस्तों, मेरी मजबूरी बोलना है इसलिए मास्क नहीं पहन सकता, वरना मास्क पहन के मैं क्लास दे रहा होता, सिंबॉलिक हो जाता, बहुत हंगामा करते बच्चे कि दिल्ली में हो क्या रहा है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लेक्चर को आपके साथ। तो क्या है हमारे लेक्चर में आज, पहला आर्टिकल या पहला एडिटोरियल की बात मैं करूँगा आपके साथ जो मैं चर्चा करनी है आज। चलिए तो पहले बात करते हैं कर्नाटक की, बात कर लें आपके साथ कर्नाटक में क्या हो रहा है, डिसक्वालिफाइड येट क्वालिफाइड। चलिए बाहर आते हैं टॉपिक से हम लोग, चर्चा शुरू करते हैं अपने आर्टिकल्स की। तो क्या है अपने आर्टिकल्स में, मार्क्ड आर्टिकल्स कहाँ है, मार्क वन कर्नाटक एमएलए, सुनिएगा मामला क्या है यहाँ पर, कर्नाटक एमएलए वाला क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड येट क्वालिफाइड, सुन लीजिए मामला क्या है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कुछ महीने पहले कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार थी, जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस की सरकार थी, इनके पास मिलाकर विधायक हो गए थे इनके, जिनकी सरकार चल रही थी। लास्ट ईयर मई 18 में इलेक्शन हुए थे कर्नाटक में, जिसके बाद हलंग विधानसभा बनी थी, मेजोरिटी किसको नहीं थी, बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बनी थी, लेकिन बीजेपी को कुछ सीटें कम थी बीजेपी के पास, जिससे वो सरकार नहीं बना पाई थी, लेकिन इन दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी अपनी और सरकार चली भी कुछ महीने। लेकिन उसके बाद लगभग कांग्रेस और जेडीएस के 15 विधायक इस्तीफा देते हैं अपनी सदस्यता से, जिससे ये गवर्नमेंट के पास विधायक कम हो गए यहाँ पर, इनके पास विधायक कम रह गए टोटल मिलाकर, और बीजेपी के पास ज़्यादा विधायक हो गए और ये सरकार गिर गई। जब मामला पहुंचा डिसक्वालिफिकेशन का, इस्तीफा दिया, इस्तीफा किसको देते हैं जानते हैं आप लोग, विधायक को इस्तीफा देना होता है, वो स्पीकर को देता है अपने विधानसभा के। स्पीकर ने इनका कहना चाहिए मुझे प्रकार से इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, इनको बर्खास्त कर दिया, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया किसी प्रक्रिया में शामिल होने से, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आप इस विधानसभा में, यानी 18 से जो 23 की विधानसभा है, 5 साल की जो विधानसभा रहेगी, इसमें आगे भी चुनाव नहीं लड़ सकते, डिस्क्वालीफाई फ्रॉम दिस सेशन ऑफ दिस हैंग ऑफ टेन्यूर ऑफ असेंबली, विधानसभा के सत्र से, सत्र नहीं कहूँगा, इस पूरे 5 साल से, 1 साल हो चुका था इनको, तो 1 साल के बाद आप कर रहे हैं बर्खास्त, अगले 4 साल तक आप इस विधानसभा में दोबारा नहीं आ सकते, डिस्क्वालीफाई कर दिया, दोबारा चुनाव लड़ने से रोक दिया। अब चुनाव लड़ेंगे भी तो आना पड़ेगा इस विधानसभा में आपको, क्योंकि विधानसभा तो वही बनी रहेगी ना, 15 में इस्तीफा दे रहे हैं, दोबारा चुनाव होंगे 15 के, दोबारा खड़े हो जाएंगे सीटों पर, दोबारा चुन के आ जाएंगे, क्योंकि इस्तीफा देकर दोनों चुनाव लड़ सकते हैं आप। लेकिन क्या किया स्पीकर साहब ने, डिस्क्वालीफाई कर दिया इनको 5 साल के लिए। अब ये 15 लोग जिनको उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार मंत्री बनाएगी इनको, यहाँ पर दोबारा सत्ता में आएंगे तो मंत्री बनेंगे ये लोग, इन्होंने इस्तीफा दिया था इस कारण यहाँ पर, अब वो इस्तीफा देने के बाद फंस गए, चुनाव लड़ नहीं सकते क्योंकि स्पीकर ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है पूरे 5 साल के लिए। अब ऐसे में मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सुनिएगा आराम से, सुप्रीम कोर्ट दो फैसले दिए हैं। पहली बात तो ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 15 जो लोगों के इस्तीफे हैं, 15 लोगों के जो इस्तीफे हैं वो ठीक है, आप इस्तीफा स्वीकार कर सकते हैं, इस्तीफा ठीक था इनका, रेजिग्नेशन ठीक था इनका, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन 15 लोगों को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता, वो इलेक्शन लड़ेंगे, यानी क्वालिफाई हैं वो इलेक्शन लड़ने के लिए, तो डिस्क्वालीफाई हैं विधानसभा में जाने के लिए या उस सत्र में जाने के लिए, लेकिन वो क्वालिफाई हैं चुनाव लड़ने के लिए, ये कहना है कोर्ट का। ये रिकॉर्ड करें आर्टिकल में क्या कहा गया आपके यहाँ पर, तो अपहोल्डिंग द कर्नाटक स्पीकर्स ऑर्डर डिस्क्वालीफाई 70 इलेक्ट्स दिस ईयर, द सुप्रीम कोर्ट अलाउड द फॉर्मर लेजिस्लेटर कंटेस्ट द इलेक्शन बाय दिसंबर 5, यानी 5 तारीख को हो रहे चुनावों में, जो 15-17 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहाँ ये लोग चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सही है स्पीकर का फैसला कि आपने उस सत्र में इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, इनको उस समय निकाल दिया था, लेकिन चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते इनको आप, तो चुनाव लड़ पाएंगे 15 लोग, उम्मीद कर रहे हैं सरकार में शामिल हो पाएंगे जीत कर, तो ऐसा उनको मानना है कि चुनाव लड़के जीत पाएंगे। चलिए हमारे काम का क्या सुनिएगा, हमारे काम का क्या देखिएगा यहाँ पर, डिस्क्वालीफाइड ऑल ऑफ देम इन ऑर्डर पास इन जुलाई 25-28 एंड सेट डिस्क्वालिफिकेशन वुड गो टिल 2023 द एंड ऑफ द करंट असेंबली टर्म, विधानसभा के अंतिम जब खत्म नहीं, विधानसभा तो चलती रहेगी तब तक ये डिस्क्वालीफाई रहेंगे, चुनाव लड़के नहीं आ सकते, ये कहना था स्पीकर का। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर चुनाव लड़ पाएंगे ये लोग और दोबारा संसद में, सदन विधानसभा में आ पाएंगे। तो कोर्ट ने जो कहा बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, कोर्ट के अपने आदेश में क्या है, समझिएगा घटनाक्रम क्या हुआ। ये जो 15 लोग थे इन्होंने इस्तीफा दिया, रेजिग्नेशन दिया, एक वर्ड होता है रेजिग्नेशन, एक होता है सस्पेंशन या बर्खास्त, डिस्क्वालीफाई करना,
इन्होंने इस्तीफा दिया, रेजिग्नेशन किया अपनी संस्था से, अपने एमएलए पद से इस्तीफा दिया और स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। स्पीकर ने होल्ड कर लिया इनके इस्तीफे को, भाई स्वीकार नहीं कर रहा हूं मैं भी आपका इस्तीफा, होल्ड पर है, होल्ड पर है, स्पीकर अधिकार है वो होल्ड कर सकता है इस्तीफे को, और इस्तीफा स्वीकार ना करते हुए इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। इस बीच में इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, भैया चुनावी लड़ पाओगे आप 5 साल तक, आप आ ही नहीं पाओगे विधानसभा में दोबारा यहां पर। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा जनाब स्पीकर को होल्ड करने का अधिकार है, लेकिन कब तक कैसे? अगर विधानसभा के मेंबर ने या एमएलए ने अपना इस्तीफा दिया है स्पीकर को, तो स्पीकर उसको होल्ड कर सकता है, पूछ सकता है ना क्यों इस्तीफा दे रहे हो आप, आपका इस्तीफा चेक कर सकता है, क्रॉस चेक आपने साइन किए कि नहीं किए, आपने कोई प्रेशर में तो नहीं किया, आप कोई दबाव में तो नहीं है, आप कोई किडनैप तो नहीं कर लिया, नशे में लिखवा दी किसी ने आपको, तो कंफर्म कर सकता है वो आपसे, लेकिन वो आपका मोटिव नहीं जान सकता कि भाई क्यों इस्तीफा दे रहे हो, मैं आपको मना नहीं सकता उसके बाद। वो हाँ रोक सकता है कितने समय के लिए, जब तक वो कंफर्म ना कर ले कि इस्तीफा सही हालात में दिया गया है और इस्तीफा ऑथेंटिक ही है, उस व्यक्ति ने साइन उसी ने किया, किसी और उसके जाली कॉपी बनाकर नहीं भेज दी गई उसकी। यानी कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही कोर्ट ने, देखने रखिएगा, कोर्ट ने कहा यहां पर पढ़ते हैं यहां पर आपके साथ, आर्टिकल 193 संविधान के अनुच्छेद 193 के मुताबिक, 193 के मुताबिक अ प्रोविजन अंडर विच द स्पीकर हैज टू असर्टन द वॉलंटरी एंड जेन्युइन नेचर ऑफ द रेजिग्नेशन बिफोर एक्सेप्टिंग इट, वो देख सकता है कि ये सही है कि नहीं और खुद से भेजा है कि नहीं, वो चेक कर सकता है किसके तहत, आर्टिकल 190 के तहत वो चेक कर सकता है स्पीकर कि वॉलंटियर यानी खुद भेजा है कि नहीं भेजा उसने, और जेन्युइन है कि नहीं, वो प्रमाणिक है नहीं, साइन उसी का है या किसी और का है, नेचर ऑफ रेजिग्नेशन बिफोर एक्सेप्टिंग इट, द कोर्ट इज क्लियर दैट, समझिएगा साइन को, द कोर्ट इज क्लियर दैट इट इज अ लिमिटेड इंक्वायरी ओनली टू सी इफ द लेटर इज ऑथेंटिक एंड इफ द इंटेंट क्वाइट इज बेस्ड ऑन फ्री विल, यानी स्वेच्छा पर आधारित है और जो लेटर भेजा गया वो ऑथेंटिक है। अब अगली लाइन पढ़ रहा हूं मैं यहां पर आपको, वंस इट इज अ डेमोंस्ट्रेट दैट द मेंबर इज विलिंग टू रिजाइन आउट हिज फ्री विल द स्पीकर हैज नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन। जी हां, सबसे महत्वपूर्ण लाइन यही है आपके पास यहां पर कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा यहां पर इस इस्तीफे को यदि इस्तीफा भेजा गया है स्वयं से। नीचे यहां पढ़ें क्या लिखा है, नीचे आके क्या लिखते हैं यहां पर, ये नीचे लिखा गया इस आर्टिकल में, दिस इफेक्टिवली एंड्स द आर्गुमेंट द स्पीकर इज एम्पावर्ड टू कंसिडर मोटिव्स एंड सर्कमस्टेंसेस व्हेनेवर रेजोल्यूशन इज सबमिटेड। यानी अब स्पीकर ये चेक नहीं कर सकता कि मोटिव क्या भेजने का आपका, आपको दोबारा मना नहीं सकता यहां पर वो, यानी वो कारण नहीं जाना चाहेगा आपका, केवल इस्तीफे की जांच करेगा और आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा एडिटोरियल था जो क्लियर करता है स्पीकर के अधिकारों को। क्या मेरी बात आपको स्पष्ट हो पाई है दोस्तों? स्पीकर के अधिकारों को आइडेंटिफाई करता है, क्या है स्पीकर के राइट्स, उनकी बात करता है आपके साथ यहां पर ये। चलिए दोस्तों आ जाइए फटाफट, आ जाइए आप लोग, पर्सनल चैट बहुत करते हैं आप लोग यार। चलिए कोई बात नहीं, सुन दीजिए, जो सुनना चाहते हैं सुन लीजिए, जो नहीं सुनना चाहते हैं उनका भगवान मालिक है। आइडेंटिफाइड वीक एस्पेक्ट इन द लॉ में भी आंसर, यानी पॉइंट बात यही है कि अगर इस प्रकार देखा जाए तो प्रकार गलती है कि आपको जनता ने चुना, आपने इस्तीफा दिया, दूसरी पार्टी में गए और वहां जाके आपने दोबारा चुनाव लड़ा, तो एक प्रकार से कहीं ना जनता की धोखाधड़ी अपने आप में ये, तो आवश्यकता कानून को मजबूत करने की है, स्पीकर को भी समझाया जाए, स्पीकर भी काम गलत ना करे, स्पीकर का काम केवल प्रमाणिकता चेक करना है ना कि मोटिव जानना है इस्तीफे का यहां पर, तो ये इंपॉर्टेंट बात भी यहां भी लागू होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ, मैं अपनी टीम इंचार्ज कहूंगा दोस्तों, एक बार देख लीजिए, मैं सुन लीजिए, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, शो बन रहा है नहीं हो रहा है, चलिए कोई नहीं। चलिए दोस्तों मूव करते हैं सेकेंड आर्टिकल पे, क्या है हमारे पास आज का सेकेंड आर्टिकल, क्या है हमारे आज के पास सेकेंड आर्टिकल, हमारे पास है ग्रोथ को लेकर है, ग्रोथ या समृद्धि को लेकर है हमारे पास एक आर्टिकल है। दोस्तों एक मिनट पॉज कर सकता हूं चीजों को, एक मिनट के लिए होल्ड कर सकते हैं हम लोग, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं 1-30 सेकंड आता हूं लौट के आपके पास।
ओके सॉरी दोस्तों, कुछ बहुत ज़रूरी काम था, मुझे एक शो लगाना था, वो नहीं लग रहा था एक्चुअली में। 850 का मैं शो प्लान कर रहा था, 850 का आपके साथ, तो 850 पे एक शो ला रहा हूँ स्पेशल, वो थंबनेल नहीं क्रिएट हो रहा था इसलिए मुझे देखना पड़ा वहाँ पर। चलिए फटाफट आते हैं दूसरे आर्टिकल पर आपके साथ। ग्लूम डिपेंस या बात करें इकोनॉमी की, आप बात करें इकोनॉमी में क्या हो रहा है दोस्तों, तो आर्टिकल पर जाऊँ मैं, ग्राफ दिखा दूँ, कुछ डेटा दिखा दूँ आपको, काम का क्या है। डेटा हमारे पास दोस्तों ये आया है यहाँ पर आज का, द इन्फो इन्फो हिंदू इन्फो, ये रही हमारे पास हिंदू की इन्फो क्या है। परेशान न हुआ करें दोस्तों आप लोग, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं यहीं पर हूँ, आपको झेलना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। चलिए बात करें डेटा क्या हमारे पास आया, डेटा हमारे पास ये आया दोस्तों यहाँ पर सितंबर महीने का आईआईपी का, मैं बात कर रही हूँ आपसे, मैंने बताया भी होगा आपको, सितंबर महीने का आईआईपी डेटा आ चुका है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, आपको दिख रहा है डेटा यहाँ पर ये, और ये डेटा दिखा रहा है आपको कि लगातार ग्रोथ कम होती जा रही है हमारी, ग्रोथ कम हो रही है हमारी, डेटा दिखा रहा है यहाँ पर ये। तो सितंबर महीने का आईआईपी की बात करें, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कमी आ गई, कितनी, -4.3%, जो पिछले 8 सालों में सबसे कम है दोस्तों ये। तो इंपॉर्टेंट बात है, आईआईपी में गिरावट है, बड़े स्केल पे गिरावट है, -4.3% सितंबर आईआईपी। दोस्तों विशेष जानकारी आपको दे दूं यहाँ पर, अभी 8:50 पर विशेष शो ला रहा हूँ मैं आपके लिए, आरटीआई भी तो फैसला आया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, कल 8:50 पर बात करेंगे, नेहरू बात करेंगे 9:15 आपके साथ, तो पहले 8:50 में देखेंगे आपके वो शो, इंपॉर्टेंट शो दोस्तों, बहुत काम का आएगा पेपर 2 में आपके लिए, और बात करूँ पेपर 3 के भी आपसे मैं, पेपर 3 में काम आएगा आईआईपी आपके लिए। तो आईआईपी डेटा देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात है आईआईपी की, जो 8 चीजें होती हैं आईआईपी में, 8 चीजें मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कैपिटल गुड्स, प्राइमरी गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स। नोटिस करें आप, इन सब में गिरावट है, 7/8, 8 अगर भारांश होते हैं, 8 पार्ट होते हैं आईआईपी के अगर, तो 7 में गिरावट आई है। केवल एक भाग है जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं पूछेगा नहीं पीडी में आपसे, चिंता ना करें, लेकिन पीडी में पूछ सकता है क्योंकि साल भर चर्चा रहेगी इसके ऊपर, तो कौन कौन से 3 मुख्य पार्ट होते हैं और कौन कौन से 5 सेकेंडरी पार्ट होते हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीजें दोस्त, समझ सकते हैं हम लोग यहाँ पर गिरावट आई है। खासकर देखिए कंपेयर करें जुलाई महीने से, तो जुलाई महीने 1 नेगेटिव था, 2 नेगेटिव थे, 3 नेगेटिव थे, 4 नेगेटिव थे, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले 4 नेगेटिव थे और अब नेगेटिव हो गए दोस्तों, कितने हमारे पास ये कम होते होते आ गए ये लोग नेगेटिव यहां पर। तो -4.3% गिरावट दिख रही है हमको इनके अंदर, गिरावट है -4.3 की, 7 सेक्टर में गिरावट आ गई है अर्थव्यवस्था के, आईआईपी के 7 सेक्टर में गिरावट है दोस्तों। और दिखाऊं मैं डेटा आपको यहां पर, और डेटा देखिए मेरे संग, इसके अलावा देश में गाड़ियों की बिक्री की बात करें, सेप्टेम्बर 2019 के आंकड़े आ चुके हैं, सेप्टेम्बर 2019 में कंपेयर करें 1 साल पहले के मुकाबले, तो पैसेंजर व्हीकल बिक रहे हैं कितने कम बिक रहे हैं दोस्तों, 20% कम बिक रहे हैं, ट्रक सूमो गाड़ियां आदि जो कमर्शियल गाड़ियां होती हैं 20% कम बिक रही हैं, थ्री व्हीलर्स बढ़े हैं थोड़े से, 1% बढ़ गया है यहां पर, 2 व्हीलर्स ऑफकोर्स बड़ा सेगमेंट है उसमें 12% गिरावट है, और ओवरऑल कितनी परसेंट गिरावट है, 13% की, यानी 1 साल के मुकाबले के पहले इस साल गाड़ियों की संख्या में 13% गिरावट आई है, बिक्री कम हो रही है, नवरात्रि हो दिवाली हो उसके बाद भी बिक्री कम हो रही है, उम्मीद करते हैं शायद कुछ वृद्धि हो पाए, लेकिन अभी भी वृद्धि कम भी कम दिख रही है, 13% गिरावट है गाड़ियों के सेगमेंट में दोस्तों, यानी कि कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था बहुत खराब हालत में चल रही है। और क्या कह रहा है दोस्तों सुन लीजिए आराम से, ये तो यहां पर कहना है कि आईआईपी लगातार कम हो रहा है, तो डेटा कौन जारी किया आईआईपी का, एनएसओ ने जारी किया है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, नया कार्यालय खुल गया आजकल, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस ने जारी किया डेटा ये आईआईपी का, अप्रैल 2012 के बाद से ये लगातार सबसे बड़ी गिरावट है आपके यहाँ पर अर्थव्यवस्था में। इसके अलावा कुछ और पॉइंट देख लें हम लोग, आईआईपी के 6 में से 5 कैटेगरी जो हैं, 8 में से 7 कैटेगरी जो हैं वो गिरावट दिखा रही हैं, केवल इंटरमीडिएट गुड्स जो कैटेगरी है उसमें कुछ उछाल है, बाकी सब में गिरावट आई है लगातार। देश में बिजनेस का माहौल खराब हो रहा है, बिजनेस निवेश नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़े आपके साथ। इसके अलावा देखिए हम लोग क्या है, क्यों गिरावट है जानते हैं सभी लोग, गिरावट का कारण क्या है, आखिर इस दुख का कारण क्या है, भगवान बुद्ध कहते हैं दुख है दुख का कारण है, तो इस ग्रोथ गिरावट का कारण क्या है दोस्तों, इस ग्रोथ में कमी का कारण बताएंगे मुझे क्या है, आखिर ये कमी क्यों है, जानते हैं सभी लोग, जानते हैं हम लोग, पहचान चुके हैं समस्या को देश की, वो है हमारे यहाँ पर डिमांड का कम होना, मांग का कम होना। जी हाँ, आपको याद हो गया अब तक ये डिमांड कहाँ से नहीं आ रही है, मुख्यतः रूरल एरिया से डिमांड आना बंद हो गई है, ग्रामीण मांग नहीं आ रही है, ग्रामीण इंटरलैंड डिमांड नहीं आ रही है, ऑन द अदर एंड अर्बन डिमांड भी बहुत अधिक नहीं है, ये भी बहुत अधिक नहीं हो रही है, और इसके अलावा डिमांड करता है आपका एक्सपोर्ट सेक्टर, एक्सपोर्ट कांस्टेंट बने हुए हैं, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहे हैं देश के, एक्सपोर्ट सेक्टर में भी कमी आई हुई है। तो ग्रामीण मांग का ना होना, शहरी मांग में अधिक ग्रोथ ना होना और एक्सपोर्ट का स्टैटिक रह जाना डिमांड को नहीं बढ़ा पा रहा, डिमांड नहीं बढ़ेगी देश के अंदर तो
तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, जीडीपी नहीं बढ़ेगी देश की, तो डिमांड नहीं आ रही पहली बात। दूसरी बात, नया इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, बात ये भी अपने आप में, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है नया, निवेश नहीं हो रहा है नया देश के अंदर, और अगर निवेश का माहौल नहीं बना देश के अंदर तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो डिमांड, तो रोजगार पैदा नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट बात है, साइकिल ऑफ गुड इकोनॉमी याद होना चाहिए आपको। यहाँ पर क्या होता है, साइकिल ऑफ गुड इकोनॉमी याद होगा, इन्वेस्टमेंट अगर नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट अगर नहीं हुआ तो क्या नहीं होगा दोस्तों, याद है हमको, यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा, और उत्पादन यानी जीडीपी नहीं हुआ, उत्पादन नहीं हुआ तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, रोजगार नहीं मिलेगा, और रोजगार नहीं मिला तो आपकी इनकम, आपकी आय नहीं बढ़ेगी, आपकी इनकम नहीं बढ़ी तो आप डिमांड नहीं करेंगे, और आप डिमांड नहीं करेंगे तो मंदी बनी रहेगी, ये रिसेशन बना रहेगा, स्लोडाउन बना रहेगा, और आय बढ़ेगी अगर तो आप सेविंग करेंगे, बचत करेंगे, बैंक में जमा करेंगे, शेयर मार्केट में लगाएंगे, पेंशन लेंगे, इंश्योरेंस लेंगे, और फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट होगा देश के अंदर। यानी निवेश कम, उत्पादन कम, रोजगार कम, आय कम, बचत कम, मंदी कम, सब अर्थव्यवस्था में डाउनफॉल आपको दिख रहा है। तो ये है अर्थव्यवस्था के कुछ पॉइंट्स। यहाँ पर कुछ और लिखा है इस आर्टिकल में, कुछ और लिखा है एडिटोरियल में, सुन लीजिए आराम से दोस्तों, क्या लिखा है इस एडिटोरियल में और आपके लिए यहाँ पर क्या लिखा है। इसके अलावा बात करें, सेंटर ने प्रयास किए हैं कुछ यहाँ पर अपनी अर्थव्यवस्था को उछाल देने के लिए। अभी दो दिन पहले ही सरकार ने एक विशेष पैकेज जारी किया रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, जहाँ पर उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव फंड AIF का गठन किया है। यादव बात की थी हम लोगों ने इस बारे में, फंड बनाया 25,000 करोड़ रुपये का, तो उम्मीद करते हैं शेयर सेक्टर को पैसा मिल पाए इससे। इंपॉर्टेंट बात क्या समझिएगा, इंडस्ट्री परस्पेक्टिव में देखिएगा, 17 में से 23 जो बड़े उद्योग हैं देश के, जैसे ऑटो वायलेक हुआ, टेक्सटाइल हुआ, लेदर हुआ, 23 जो बड़े उद्योग हैं उनमें 17 जो उद्योग है मैन्युफैक्चरिंग के, वहाँ गिरावट है, वहाँ कॉन्ट्रैक्शन है, वहाँ पर गिरावट है, और ये गिरावट बहुत बड़े स्केल पर है। मोटर व्हीकल में तो 25% तक है, बहुत बड़ी स्थिति में फंसा हुआ है मोटर व्हीकल इंडस्ट्री हमारी। तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा कमी आ रही है देश के वाहन उद्योग में, गाड़ियों के उद्योग में। PMI इंडेक्स कमजोर हो चुका है, कुल मिलाकर दोस्तों स्थिति बहुत खराब चल रही है, और इनका मानना है कि स्थिति हाल सुधरने वाली भी नहीं है। अभी जो आउटलुक आ रहे हैं बहुत अच्छी ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, यानी अब कल तो SBI ने कह दिया कि 5% ग्रोथ रहेगी इस साल। SBI कल कह रहा था 5% ग्रोथ रहेगी दोस्तों, आप IMF 6% कह रहा था, RBI 6% कह रहा था, ये तो 5% पे आ गया SBI। तो ऐसा है तो निश्चित रूप से संकट आने वाला है देश में दोस्तों बड़े स्केल पर। तो निश्चित रूप से सरकार को बड़े प्रयास करने होंगे तो मंदी से आप बाहर आ पाएंगे। क्या दोस्तों स्पष्ट है मेरा आर्टिकल आपको, ये क्या मेरा आर्टिकल आपको स्पष्ट हो गया है, आगे बढ़ेंगे लोग यहाँ पर। इसी बहुत खराब चल रही है मंदी की दोस्तों, बहुत ज़्यादा खराब चल रही है इस समय कमी। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से आगे बढ़ेंगे आपके साथ। अगला आर्टिकल जो मेरे पास है, तीसरा आर्टिकल दोस्तों, बता दूँ फिर आपको मैं लाया हूँ आपके लिए, अभी कितना कौन सा शो होगा, अभी बात करूँगा RTI CGI पर आपके साथ में। क्या है हमारे पास RTI CGI 850 पर, 850 में थंबनेल लग गया, देख लीजिएगा वहाँ पर। तीसरा आर्टिकल मेरे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल दोस्तों, बहुत काम का है आज का, इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज का है आप बैलेंसिंग एक्ट, बहुत ध्यान सुनिएगा, फ्रंट पेज की न्यूज भी आज ही, बैलेंसिंग एक्ट क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बन गया क्रिएट हो गया 850 का शो। जी हाँ, थंबनेल बन गया दोस्तों 850 का, देख लीजिएगा, भी आता हूँ 850 पर मैं, अभी है 8:30 का समय। एक बड़ा आर्टिकल, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपके पास, आप बैलेंसिंग एक्ट आराम सुनिएगा क्या मामला है पूरा का पूरा, फिर दूंगा क्वेश्चन क्या है इस पर आपके आज के, फिर दूंगा मैं क्वेश्चन आपको इस पर आज के। मामला क्या दोस्तों जान लीजिए, मामला केवल यह हुआ है कि देश की अलग अलग अदालतों में कई मामले चल रहे थे, अलग अलग हाईकोर्ट्स में कई मामले चल रहे थे सोशल मीडिया के खिलाफ। सोशल मीडिया हम जानते हैं, सभी लोग आप लोग जानते ही हैं, यूज ही कर रहे हैं, देख ही रहे हैं सोशल मीडिया को, तो आप लोग व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा है, ये सब जो सोशल मीडिया, टिकटॉक है, तो ये जो सोशल मीडिया है इसका मिसयूज हो रहा है बड़े स्तर पर। तो यहाँ पर अलग हाईकोर्ट में केस चल रहे थे कि भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए नियम तैयार करें। कई जगह ये केस चल रहा था कि भैया रेगुलेट करो सोशल मीडिया को। कई जगह मामले चल रहे हैं हाईकोर्ट में कि सोशल मीडिया अकाउंट को लिंक किया जाए आधार के साथ, लिंक करो आधार से, जिससे हम लोग पता कर पाए कि कौन फेक न्यूज़ फैला रहा है, कौन क्राइम कर रहा है, कौन फेक न्यूज़ को बढ़ावा देता है, कौन जानकारी गलत दे रहा है। तो सोशल मीडिया को लिंक किया जाए आधार कार्ड के साथ आपके, कुछ हाईकोर्ट में मामले चल रहे थे, कुल मिलाकर अलग हाईकोर्ट मामले चल रहे थे। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनफ इज एनफ, लाओ सारा मेरे पास, मैं हूं सर्वे सर्वा, सारे हाईकोर्ट मामले मेरे पास लाओ, मैं करूंगा कंप्लीट हियरिंग यहां पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने देश के अलग हाईकोर्ट में चल रहे मामलों को अपने पास बुला लिया है, अब सुप्रीम कोर्ट करेगा इन सब मामलों पर एक साथ सुनवाई। अच्छी बात है, ये तो हुई न्यूज आपके साथ, व्यूज सुन लीजिए, व्यूज क्या है इस पर, अच्छी बात है, मैं सपोर्ट करता हूं इस प्रकार की चीजों को। क्यों सपोर्ट करते हैं हम लोग, क्या होगा, अब सोचिएगा हाईकोर्ट अलग होती, कोई हाईकोर्ट कुछ कहता, कोई हाईकोर्ट कुछ कहता। एग्जाम्पल दूंगा, 2 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं, इसी क्लास की बात मैं कर रहा था, 2 साल पहले हम देख रहे थे सिगरेट या तंबाकू की बात मैं कर रहा था क्लास में,
बड़ा इंटरेस्टिंग बात सुन लीजिए, किस प्रकार हमारे न्यायपालिक अलग काम करती हैं। भारत सरकार ने आदेश जारी किया दो साल पहले, सुन लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। दो साल पहले आदेश जारी किया भारत सरकार ने कि तंबाकू या सिगरेट का जो पैकेट होता है उसको 85% उस पर पैकेट पर वार्निंग होना जरूरी, चेतावनी होना जरूरी है, पिक्टोरियल वार्निंग होना जरूरी 85% पैकेट पर। 25% पैकेट पर ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपनी अपना लोगो लगा सकते हैं, अपना प्राइस देख सकते हैं, लेकिन 85% शुड बी अंडर द पिक्टोरियल वार्निंग। ये अपने सरकार ने आदेश जारी किया। इस आदेश के खिलाफ तंबाकू कंपनियां, सिगरेट कंपनी चली गई कोर्ट के अंदर, कोई गया बेंगलोर हाई कोर्ट में, कर्नाटक हाई कोर्ट में, कोई गया दिल्ली हाई कोर्ट में, कोई गया अहमदाबाद हाई कोर्ट में, अलग कोर्ट में चले गए लोग, कोई बात नहीं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा नहीं जनाब, ये गलत है, सरकार को अधिकार है पूरा वार्निंग जारी करने, सरकार के साथ थी कर्नाटक। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा नहीं, ये गलत है, ये इससे व्यवसाय पर असर पड़ता है, सिगरेट कंपनी को व्यवसाय करने का अधिकार है, इससे आप इतना हार्शी लागू नहीं कर सकते। यानी हुआ क्या, अलग हाई कोर्ट के अलग फैसले, अलग एविडेंस के आधार पर अलग वकील जो गए होंगे लड़ने के लिए, उनके स्ट्रांग पॉइंट रहे होंगे, अलग जजों ने अलग फैसला दिया, मामला फाइनली सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फिर अलग बात है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको ठीक ठहराया, सपोर्ट किया कर्नाटक हाई कोर्ट का। लेकिन अलग बात यहां पर काम की है कि सुप्रीम कोर्ट मामले की फैसला आने के बाद अगर ये काम करेगा तो लोगों में होता है यार दो अलग कोर्ट कह रहे हैं क्या हो रहा है यहां पर, इससे पहले ही क्या करे पहली वाली कोर्ट ने अपने पास कि लाओ सारे मामले मुझे हैंड ओवर करो, मैं सर्वे सर्वा हूं, मैं अपेक्स हूं, मैं शीर्ष हूं, मैं सुप्रीम हूं, मैं करूंगा फैसला इस बात का। चलिए तो ये तो बात हुई समझने के लिए आपके साथ, इसके फायदे नुकसान देख लीजिए क्या होंगे। फायदे तो आप देख ही रहे हैं कि फैसले में समस्या नहीं होगी। अब क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, दो पार्ट बैकग्राउंड दिखा दूंगा काम का, जो जानकारी इसमें नहीं दी आपको समझना पड़ेगा। भारत सरकार पहले भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कई बार कह चुकी है, कई बार इसको जोड़ चुकी है भारत सरकार अपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फैसले को, क्या जोड़ चुकी है दोस्तों यहां पर, भारत सरकार कह चुकी है जनाब हम बहुत जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में पहले भी कह चुकी है भारत सरकार कई बार कि हम बहुत जल्द ही इसे रोकने के लिए या इस सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए नियम लाने वाले हैं, और सरकार का भी लेटेस्ट दावा है कि जनवरी 2020 तक ये रेगुलेशन आ जाएगा। तो दोस्तों याद कर लीजिएगा, रेगुलेशन जो भी आएगा, क्योंकि पीटी बहुत काम का होगा, मेन्स बहुत काम का होगा, देश में पहली बार प्रॉपर सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए सरकार एक गाइडलाइन लाने वाली है, जनवरी 2020 तक आ जाएगी। इन पॉइंट बातें क्या है समझेंगे इस बात को हम लोग यहाँ पर, इस गाइडलाइन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बहुत काम का टॉपिक है, बता दूंगा आपको। ये मैंने कुछ तैयार भी किया, पहले से तैयार करता हूँ आराम टॉपिक के बारे में, बड़ा आराम सुनिएगा मामला क्या, पूरा का पूरा बोर्ड यूज़ करूँगा, इस पहले मैं बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं आपके लिए, सुनिएगा मामला क्या। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ना मतलब 2018 में कई फैसले दिए, तहसीन पूनावाला फेमस केस याद रखिएगा, तहसीन पूनावाला साहब, तहसीन पूनावाला, तहसीन एस पूनावाला, तहसीन एस पूनावाला केस फेमस केस है इंडिया का ये। इस केस में कोर्ट ने 18 जुलाई 2018 को कोर्ट ने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए फैसला दिया था और सरकार को आदेश दिया था कि वे लागू करो उसको तुरंत, आप समय दिया 3-4 महीने का, सरकार ने कहा ड्राफ्टिंग करते हैं नियम की, अभी ड्राफ्टिंग पूरी नहीं हुई है, लागू नहीं हुआ, अलग बात है, तो कोर्ट का आदेश था। लेकिन सरकार ने इस कोर्ट के आदेश को मानते हुए कुछ ड्राफ्ट तैयार किया, कुछ मसौदा तैयार किया कि भाई रेगुलेट करना है मुझे सोशल मीडिया को। तो ड्राफ्ट क्या दोस्तों चर्चा करने वाला हूं, कोर्ट ने क्या कहा था और सरकार ने क्या ड्राफ्ट तैयार किया था, ध्यान सुनिएगा, बहुत काम का है क्योंकि आने वाली गाइडलाइन कुछ दिनों में, समझिएगा क्या कहा था कोर्ट ने, एक एक करके बात करें आपके साथ, तो बैठा दूं यहां पर। तो पहली बात याद रखिएगा, तहसीन एंड पूना वाला केस 17 जुलाई को फैसला आया था इसका, 17 जुलाई माफ कीजिएगा, ये केस था यहाँ पर 17 जुलाई को, जहां कोर्ट ने कहा था कि सोशल मीडिया पर जो मैसेज फैलाए जाते हैं इससे मॉब लिंचिंग होती है, मॉब वायलेंस होता है, इसको रोकने के लिए कुछ प्रयास आपको करने पड़ेंगे। तो भारत सरकार ने प्रयास करना चालू कर दिया है और एक रूल्स ड्राफ्ट कर दिए हैं अनलॉफुल कंटेंट और जो सोशल मीडिया है उस पर निगरानी करने के लिए। चलिए दोस्तों बात करें क्या क्या यहाँ पर समस्याएं हैं, क्या क्या यहाँ पर सरकार ने जारी किया है, समझिएगा क्या कहा था कोर्ट ने, सरकार ने क्या किया, सुनिएगा। कोर्ट ने कहा था इट शैल बी ड्यूटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट टू टेक स्टेप्स टू कवर एंड स्टॉप डिसमिनेशन ऑफ इनरेस्पॉन्सिबल एंड एक्सप्लोसिव मैसेज, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे संदेशों को प्रसारित होने से रोके जो आक्रामक हैं, जो गैर जिम्मेदार हैं, जो गलत सूचनाओं को फैलाते हैं और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। जिम्मेदारी किसकी है, केंद्र और राज्य की। इट शैल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जिम्मेदारी है किसकी यहां पर, कल का शैल बी की जिम्मेदारी इन्हीं की और किसी की नहीं है। यहां पर बात करें सरकार ने क्या किया, सरकार ने नियम जारी किए, ड्राफ्ट तैयार किया, भी आईटी इंटरमीडिएट गाइडलाइन अमेंडमेंट रूल 2018 गाइडलाइन किया है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें सरकार ने कहा है प्रपोजेस सोशल मीडिया इंटरमीडिएट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंस व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉफुल ऑर्डर बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसी फॉर द रीजन ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, इन्वेस्टिगेशन, डिटेक्शन, प्रोसिक्यूशन और प्रिवेंशन ऑफेंसेज। यानी कि सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी होगी कि अगर सुरक्षा एजेंसियां पुलिस, सीबीआई, सीआईडी, ईडी आपसे जानकारी मांगती हैं किसी अपराध के बारे में, राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में, तो आपको जानकारी देनी होगी। ध्यान सुनिएगा बात को दोस्तों, बहुत काम की है ये। कोर्ट ने आदेश दिया कि जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार ने कह दिया सोशल मीडिया को भैया एक काम करो,
यदि हमारी एजेंसी से पूछती है, पुलिस पूछती है कि अपराध किसने किया, ये पोस्ट किसने की, आपको सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जुड़ा मुद्दा से जुड़ा है ये मुद्दा जुड़ा है राज्य की सुरक्षा के साथ, ये मुद्दा जुड़ा है देश की सुरक्षा के साथ, साइबर सिक्योरिटी के साथ, किसी मामले की जांच के साथ, किसी मामले की पड़ताल के साथ, किसी मामले के अभियोजन के साथ, किसी मामले को रोकने के लिए। प्रिवेंटिव भी है दोस्तों, ये प्रिवेंशन भी है, आप चाहें तो किसी भी पोस्ट को पेस्ट होने से वहां रोक सकते हैं। प्रिवेंशन, प्रोसिक्यूशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, साइबर सिक्योरिटी, स्टेट सिक्योरिटी, इनके आधार पर कोई भी संस्था आपसे मांग सकती है मदद, आप मना नहीं करेंगे, मदद देने को आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, सहायता देनी पड़ेगी। दोस्तों 5 सेकंड में रुक रहा हूँ, पानी पी लूँ एक गिलास मेरा। आपको कोई सवाल हो या यहाँ तक समझ में ना आए तो बता दीजिए मुझे, एक गिलास पानी पी लूँ तक मैं आपसे बात करता हूँ फिर, तो कुछ समझ में ना आए हो प्लीज़। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं आपके साथ, तो हम बात करें लॉफुल ऑर्डर की यहां पर। तो अगर सरकारी एजेंसी मांगती है, सरकार ने ड्राफ्ट बना दिया, देखिए अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, ड्राफ्ट है, उम्मीद करते हैं जनवरी तक फाइनल हो जाएगा, जनवरी 2020 तक। ड्राफ्ट में क्या लिखा है, यदि सरकारी एजेंसी मदद मांगती है, सरकारी एजेंसी यानी पुलिस, सीबीआई, सीआईडी मदद मांगती है, तो इन सोशल मीडिया कंपनियों को राज्य की सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, जांच के लिए, पड़ताल के लिए, अभियोजन के लिए या निवारण के लिए मदद देनी पड़ेगी। और ऑफेंस में भी इंक्लूड मॉब वायलेंस, मॉब लिंचिंग, ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज, इन मामलों में बताना पड़ेगा कि कौन है ओरिजिनेटर इन्फॉर्मेशन। यदि किसी ने वीडियो पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर या यूट्यूब पर या फेसबुक पर, तो बताना पड़ेगा सोशल मीडिया ग्रुप को कि भाई इसका ओरिजिनेटर कौन था, कि आशीर्वाद सिंगल ने डाउनलोड बटन दबाया, अपलोड बटन दबाया और आशीर्वाद ने पोस्ट किया है, वो रहता है इस जगह पर, उसका मेल आईडी ये है, उसका फोन नंबर ये है, आपको शेयर करना पड़ेगा पुलिस के साथ, तभी पुलिस पकड़ पाएगी ऐसे लोगों को, ओरिजिनेटर ऑफ द इन्फॉर्मेशन कौन था, जिसे ट्रेस कर पाए उसको हम लोग और पकड़ पाए उस व्यक्ति को। ये पहला पॉइंट है, ध्यान सुनिए। दूसरा पॉइंट, दूसरा कोर्ट ने क्या कहा था, कोर्ट ने अपने आदेश बाद में कहा था कि भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मे फ्रेम नेसेसरी गाइडलाइन और सेंट पुलिस ऑपरेशन इम्प्लीमेंट टेम्पर 2 वीक्स एज इम्प्लीमेंट चाइल्ड पोर्नोग्राफी। जी हाँ, बाल अश्लीलता या बच्चों से पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए भारत सरकार नियम तैयार करे 2 हफ्ते के अंदर। इसके अलावा जो तम वीडियो आते हैं, रैप, गैंग रैप के वीडियोज आते हैं, जो प्लेटफॉर्म आते हैं इस प्रकार के, उनको रोका जाए। तो क्या किया सरकार ने, सुन लीजिए यहाँ पर, सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स टू पब्लिश रूल्स, प्राइवेसी पॉलिसी टू स्टेप यूजर, स्टॉप यूजर फ्रॉम एंगेजिंग इन ऑनलाइन मटेरियल सच एज पोर्नोग्राफिक, पोर्नोग्राफिक, हेटफुल, रेशली, इथनिकली ऑब्जेक्शनल कंटेंट। याद रखिएगा, कोर्ट ने कहा जनाब भारत सरकार सुनिश्चित करे कि किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप पर किसी चाइल्ड पोर्नोग्राफी, गैंगरेप वीडियोस या अश्लील सामग्री प्रकाशित ना हो। तो भारत सरकार ने क्या किया, ड्राफ्ट लिख दिया कि ये जो कंपनियां हैं ये अपना एक प्राइवेसी पॉलिसी बनाकर रखेंगी, प्राइवेसी पोर्टल बनाकर रखेंगी, वहां लिखा होगा कि यदि आप मेंबरशिप चाहते हैं इस हमारे सोशल मीडिया ग्रुप की, तो आप ये वादा करना पड़ेगा आपको कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, इस प्रकार की वीडियो पोस्ट नहीं करेंगे, इस प्रकार की पेस्ट नहीं करेंगे, वीडियोस को फॉरवर्ड नहीं करेंगे वीडियोस को। तो ये जरूरी है, अगर वायलेशन करता है कोई इसका तो गलत माना जाएगा, यानी किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मैसेज फॉरवर्ड करता है या अपलोड करता है इस प्रकार का संदेश या वीडियो, तो वो अपराध माना जाएगा, क्योंकि वायलेशन है वो उस कंपनी की पॉलिसी का। तो यहां पर सेकंड पॉइंट ड्राफ्ट किया गया। तीसरा पॉइंट सुनिएगा आराम से, तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, तीसरा प्रज्वला लेटर वाला किसमें कहा था कोर्ट ने, छोड़ दीजिए इसको यहां पर, हाँ, प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग टूल्स। प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग मतलब क्या है, सरकार को कोर्ट ने कहा था जनाब आप कुछ ऐसे टूल्स लेकर आइए, तकनीक लेकर आइए, जिसके जरिए हम रोक पाए वीडियो को आगे प्रसारित होने से, प्रोएक्टिव पहले ही घटना को रोक पाए। तो यहां क्या कहा गया है सुनेंगे यहां पर, भारत सरकार ने आदेश दिया है सोशल मीडिया कंपनियों को, शैल डिप्लॉय टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन ऑटोमेटेड टूल्स ऑन एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म विद प्रॉपर एप्रोप्रिएट कंट्रोल्स, प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग डिसेबलिंग पब्लिक एक्सेस टू अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन और कंटेंट। ये भाषा कानून की है, सामान्य भाषा में कहा जाए तो भारत सरकार ने सोशल मीडिया ग्रुप को कहा जनाब बहुत हुआ, आपको ऐसी तकनीक लगानी पड़ेगी, ऐसे फिल्टर लगाने पड़ेंगे, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर लगाने पड़ेंगे जिससे वो कंटेंट पब्लिश ही ना हो जो अनलॉफुल है, जो गलत है, वहां तक जानकारी या पब्लिक की एक्सेस ना हो पाए, चाहे वो अश्लील सामग्री हो, अपराध सामग्री हो, मोर वीडियोज हो, ऐसे कोई वीडियोज हो, उनको आप रोकने के लिए ऑटोमेटेड यानी कुछ अपने आप वो फिल्टर कर पाए इस प्रकार के वीडियोस को, ऐसे पब्लिश करने होंगे, यानी कोई वीडियो पब्लिश नहीं होना चाहिए और उसकी पब्लिक का एक्सेस नहीं होनी चाहिए, जो अनलॉफुल है, अनलॉफुल कंटेंट है, आपको मैकेनिज्म लगाना होगा, यानी इन कंपनियों को फिल्टर आउट करना पड़ेगा ऐसे वीडियोज को जो गलत है, अतार्किक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े आपके साथ यहां पर,
आगे बढ़ते फटाफट देखिए हम लोग, उम्मीद कर रहा हूं समझा रहे हैं तीनों पॉइंट आपको। यहां पर चौथा पॉइंट कोर्ट ने जो कहा था बाद में सरकार ने लागू भी कर रही है। कोर्ट ने कहा था भैया ये जो संस्थाएं जो हैं आपकी, ये जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया है, ये आपको सहयोग करें 24/7 लगातार संपर्क रखें इनसे। सरकार ने क्या कहा सुन लीजिए, यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही सरकार ने, अ नोडल पर्सन ऑफ कॉन्टैक्ट एंड ऑल्टरनेट सीनियर डेजिग्नेटेड फंक्शनरी फॉर 24/7 कोऑर्डिनेशन विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। इसका मतलब क्या है, यानी आप सोचिए, एग्जांपल मैं दूं आपको, समझा दूं, एग्जांपल फॉर्म में समझाऊं। मान लीजिए मैं एक वीडियो पोस्ट करता हूं फेसबुक पर, कुछ मॉब लिंचिंग का वीडियो, मैं कहता हूं देखो दोस्तों क्या हो रहा है, ये मारा जा रहा है, धर्म नष्ट है, धर्म संकट में मेरा ये वो, और मैं खूब बड़ा बहुत शानदार लेख लिखूं उसके ऊपर लोगों को भड़काने के लिए, और लोग भड़क भी जाएं उसको। इन पॉइंट बात क्या है, अब सरकार को हटाना है वीडियो, हटवाना है वीडियो कैसे भी करके, सरकार फेसबुक को लेटर लिखेगी एक, भैया हटाइए इस वीडियो को तुरंत वहां से। अब फेसबुक हटाएगी एक घंटे में, दो घंटे में, बड़ा अच्छा सर्कुलेट हो रहा है, लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, धड़ाधड़ इस पर लाइक आ रहे हैं और लोग कमेंट कर रहे हैं, खूब विज्ञापन आ रहे हैं इसके ऊपर, लगा फेसबुक को चलने दो या दो चार दिन कमाई कर लेंगे फिर बंद कर देंगे। अब इन पॉइंट बात है, फेसबुक सरकार के मेल का रिप्लाई नहीं करती, एक दिन बाद दो दिन बाद अच्छा रिप्लाई करती है, अच्छा सर देख लेते हैं, चलिए बंद कर देते हैं, और फिर 24 घंटे बंद होता है, यानी 3 दिन लगे बंद होने में, तब तक 3 दिन में काफी नुकसान कर चुका आपका ये। यानी हमको एक ऐसा अधिकारी चाहिए जो मूर्त रूप में हो, सामने बैठा हो, हमारे कहना चाहिए प्रकार से टेंजिबल, हमारे लिए वो इंटेंजिबल, हम उसको पकड़ सकें जाकर। तो यहां पर सोशल मीडिया को निर्देश दिया है सरकारों ने कि यदि आप देश में काम करना चाहते हैं तो आपको एक ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, फिजिकल ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा जो 24/7 सरकार के संपर्क में रहेगा, 24/7 सरकार के संपर्क में रहेगा, और सरकार जब कहेगी उसको तो तुरंत एक्शन लेगा वीडियो हटाने के लिए। वो ऐसा नहीं कि मेलबाजी चल रही है और सारा काम हो रहा है और आप देश में सर्वर आपका है नहीं और कुछ भी आप करते रहे मनमानी, नहीं, हमें ऐसा ऑफिसर चाहिए यहां पर। तो यहां पर 24/7 ऑफिसर होना चाहिए आपका यहां पर, जो कोऑर्डिनेट करे भारत सरकार के साथ, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ सपोर्ट करे वो, और जो भी हम कहें यहां पर, जो भी ऑर्डर दें उसको लागू करे, अपने हिसाब से तुरंत लागू करे, यानी कुल मिलाकर देर नहीं होना चाहिए फैसला आने में यहां पर। चलिए दोस्तों इसके अलावा देख लें और क्या कहा कोर्ट ने यहां पर, बहुत काम का नहीं है इसके अलावा, बहुत काम के कोर्ट में फैसले नहीं थे। तो ये 3-4 पॉइंट मिल गए आपको लिखने के लिए, समझ में आया होगा, अपॉइंटमेंट कर रहा हूं क्या कहा था कोर्ट ने, सरकार क्या कर रही है, उम्मीद कर रहा हूं यहां पर समझ आ गई होंगी बातें आपको। तो सरकार कोर्ट के आदेश को लागू करने वाली है दोस्तों, समझ आ गया मुझे यहां पर। अब इस पर क्वेश्चन सुनिएगा, 2-3 क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आज के आपको लिए, आज के लिए क्वेश्चन कुछ कुछ हमारे पास भी हैं, क्या है क्वेश्चन समझते हैं आज, आज के क्वेश्चन क्या हैं। आज क्वेश्चन ऑफ द डे की फाइल मेरे पास ले आया, मैं गलती कल छूट गई थी फाइल, अपनी ला पाया था कल की फाइल आपकी, आज की फाइल देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या हमारे पास है बात करने के लिए। तो एक क्वेश्चन है, कल मैं देख रहा अपनी क्लास में दिया भी था, ऑफलाइन क्लास में आपको, आप भी देख लीजिए आप लोग भी, क्या सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से जोड़ने से सर्विलांस, अभिव्यक्ति की आजादी पर नियंत्रण और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है, एनालाइज करें। दस लिंकिंग ऑफ आधार नंबर विद सोशल मीडिया अकाउंट्स एनेबल टू सर्विलांस, रिस्ट्रिक्ट फ्री एक्सप्रेशन एंड वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, एनालाइज इट। समझ में आया दोस्तों क्वेश्चन, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका आप लोग। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे चलता हूं इसको लेकर यहां से। एक क्वेश्चन ये आपके लिए आज का, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कर्नाटक वाला पे, या फिर हम बात करें इकोनॉमी के ऊपर, तो क्वेश्चन इकोनॉमी ले लीजिए, इकोनॉमी का क्वेश्चन मेरे पास एक और है। ओके, कल बात करता आर्टिकल की, आपको याद है डेटा गड़बड़ होता है, कल बात था डेटा गड़बड़ होता, बताया था आपको मैंने, तो उस पर मैंने कहा था क्वेश्चन छलान भूल गया था कल आपका, तो ये क्वेश्चन उस पर ही था कल वाले आर्टिकल पर। तो जीडीपी डेटा उस संदेह को बढ़ा देता है जो अर्थव्यवस्था की आवश्यकता को जानने में कम कर सकता है या काम कर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति का परीक्षण करें, द जीडीपी डेटा राइजेज अ लॉट ऑफ डाउट्स ओवर हाउ डज हाउ द इकोनॉमी हैज बीन फेयरिंग, एग्जामिन द कंट्रोल स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये कल के आर्टिकल पर था दोस्तों, कल जो मैंने ला पाया था क्वेश्चन ये, बाकी मैंने कल इस पर चर्चा कर दिया, धर्मप्रेक्षता बताया था आपको मैंने कल, तो ये कल का क्वेश्चन था आपका, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, धर्मप्रेक्षता पर भारतीय चर्चा पश्चिम से कैसे भिन्न है, कल मैं बात भी की थी इस क्वेश्चन पर आपके साथ, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन पर। चलिए चलिए एक क्वेश्चन और दूंगा मैं, जो आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों वो जान लीजिए आप लोग, यहाँ पर काम आएगा आपको। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपके स्पीकर की, जब ये बात की कर्नाटक विधानसभा में हम लोगों ने, तो कर्नाटक विधानसभा में कोर्ट ने जो भी कहा उस पर एक क्वेश्चन फ्रेम तो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ है वो आप देख लीजिए, आपके काम आएगा यहाँ पर। क्या क्वेश्चन है वो देख लेते हैं आपके साथ यहाँ पर। कुल मिला के बता दिखा दूंगा आपको क्वेश्चन, मैं दिखता हूँ मिल जाए तो मुझे दिखाता हूँ क्वेश्चन आपको मैं, मिल जाए तो डाल दूंगा, ग्रुप डाल दूंगा आपको मैं, कमेंट ऑप्शन दे दूंगा आपको मैं क्वेश्चन, ये मिल जाता है तो मुझे वो क्वेश्चन। चलिए बाहर आते हैं टॉपिक से हम लोग यहाँ से, तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए आज के, ध्यान रखिएगा। तो
तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा, तीनों आर्टिकल आपको समझ में आ गए होंगे। समय है 8:50 का आने वाला है, मैं आपके लिए स्पेशल शो लाया हूँ दोस्तों। आरटीआई सीजीआई हिंदू में आर्टिकल नहीं आया है तो मैंने खुद तैयार किया कुछ चीज़ें उस पर आपके लिए, एक्सप्रेस से निकाला है, कुछ मिंट से निकाला है, कुछ न्यूज़ से निकाला है, सबको मिलाकर एक स्पेशल शो बनाया मैंने आपके लिए आरटीआई और सीजीआई बाद। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, वो पेपर टू में बहुत काम का रहेगा, ये सोशल मीडिया इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक पेपर थ्री में काम आएगा आपको, वो काम आएगा पेपर टू में आरटीआई सीजीआई का। तो मिलते हैं ठीक दो मिनट बाद आपके साथ। तो दोस्तों आइएगा 8:50 पे शो में, अलग थंबनेल है उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ लाइक कीजिए, मैं पहुँचता हूँ दो मिनट के अंदर वहाँ पर आपके साथ, इस वीडियो से उस वीडियो में आता हूँ मैं आपके साथ। तब तक दोस्तों थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।